रुपये हुआ जो मांग लिया सब से राज्य से मांगा, मैं खुद ही के बल पर मांगा। तुमको ढूंढ गया और गंदा पूछ फिरू सुहागरी को बता दे दिया था। अब यहाँ सुहागरी किसको कहा? हाजिर क्योंकि सखी भाव से बैठे थे, उसको पूछा बता दिया क्या ठिकाना क्या है नहीं, क्योंकि समय तो मानी नहीं उसे, एक एक चीज की गहराई में चलिए और तब पता चलता है। अब ये ज्ञान जो पांच वासनों के पास है वो भी कहां तक का है? अक्षर तक का ज्ञान है। आगे का ज्ञान स्वामी जी कहते हैं किन के लिए खुलता? अब वो ज्ञान जिनका है अस्प्यार सिल्वर की वर्गत था, वो जब रूपी यहां उतरी है तो अब राज्य ने देखा कि इनको संसार के शास्त्रों से अगर ज्ञान देंगे ये भी कर्म कंडी बन जाएंगे, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान से घटना क्या है बोलो, कर्म कांड वो सीख लिया। आश्रावण की चौथ तीज से तो क्या करो बोलो, बोलते के लिए गर्दने नीचे क्यों कर रहे हैं? उपवास करो आज तीज चौथे स्नान नाशी के मरने का दिन सीख ले, ये सीखा कुछ और सीखा। ये बात जाके दुनिया को कहो कि हमारा प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म है और जन्मता और मरता है, कोई पढ़ा लिखा होगा मुंह तोड़ के रखे। अब कर्म कांड में है क्योंकि हमारी अब परंपरा है, वो हम कैसे बदले? परंपरा है पारब्रह्म को मारना, उसको सुधारना। क्या कर लोगे? क्या करोगे? ऐसी इसकी सोबत में जाके अच्छा जी पारब्रह्म को मारो और फिर चौदस आ जाए तो ये संसार के जीवों का काम है जन्मना और मरना। सारे शास्त्र भी पुकार के कहते हैं कि आत्मा जन्म और मरण से रहकर पूर्ण तक मतलब एक एक चीज को दिमाग में सोचो और समझो। और ये भी याद रखना कि इसके बाद आपको चार डाकू मिलने हैं, बोलना उन्होंने किसी ना किसी से तुम्हारे ऊपर जाल डालना, याद तुम देखे करते काम हम चौबीस घंटे से जैसे जैसे की करते थे। नहीं 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 कृष्ण परम धाम है, होने वाला पहले बता रहा हूं, होने वाला है। और तुम्हारे प्राणनाथ को छीन करके क्या दे देंगे? संत जर्जर बात पहले बता रहा हूं ना, ये होने वाला क्यों? अगर वो ये करेंगे नहीं तो उनका खाना पीना दाना कहां ले चलेगा? सुंदरता सावधानों के आओ अब आगे क्या कहते हैं? शास्त्रों तीन कही। अब उसी चीज को समझ दूसरे ढंग से दूसरी ढाल चलिए, एक बारी करती तो फिर आगे क्या देखते हैं? दूसरी ढाल से वर्णन कर रहे हैं। आइए दूसरी ढाल हो रही है, अभी तीसरी ढाल और है। रात चार डाकू मिले थे तो चार ढाल चली गई थे, बाद एक ही थी और ढाल की देनी थी चारों मिली कर। अब ये दूसरी ढाल है, शास्त्रों तीन श्रेष्ठ कही, एक जीव दूसरी ईश्वरी तीसरी श्रेष्ठ ब्रह्म जी जो कही धाम से उत्तरी। ब्रह्म सृष्टि कहां से आई? धाम से उत्तरी। ईश्वरी कहां से आई है? बिना सोचे समझे बोलना गलत है। अक्षर काम में कोई ईश्वरी सृष्टि नहीं, अक्षर काम में कोई ईश्वरी सृष्टि नहीं,
हाँ हाँ, खेल में आने से पहले अक्षर की कोई सृष्टि थी। अब उसने श्री राजीव राय से लीला मांगी थी कि मुझे भी दिखा देना। तो अब ब्रिज में जब आए तो अक्षर की आतंक कहा है, वो क्या है? वो तो नंद के घर है, वो सामने है और उस राजीव राय बैठे हैं, देखे गए। भाई पुस्तक से तो लीला होनी है ना, तो उसका आनंद कैसे? इसलिए अक्षर ने ब्रिज के अंदर 24,000 अपनी नई सुर्खाएं धारण की। अब समझ लीजिए, कह रहे देवी ब्रिज में आने से पहले अक्षर ब्रह्म की कोई भी सुर्खाएं अक्षर धाम में या कहीं, केवल 5 वर्ष में थे जो ज्ञान को लाके इस संसार में कोई हुक्म होता है तो हुक्म वेद देव ने आकर के जाहिर कर। तो कुछ ना कुछ कोई संशय सुंदर सब पूछ सकते, कोई ऐसी मना नहीं। और जीव सिद्धि जो है ये तो जन्मती रहती है और मरती रहती है। ममैव जीव अंशो जीव लोके जीव होता सनातन, जन्मे मरे जन्मे मरे माया आद समाज की एक ही चीज तरह से चलती रहती है। ना ये कर्मकांड छोटे और ना ये आगे बढ़े। अब उसी को दूसरी ढाल से स्वामी जी कहते हैं कि वेदों के अंदर 3 प्रकार की सृष्टि कही है, जीव ईश्वर और उसके बाद ब्रह्म सृष्टि पुत्री। जीव और ईश्वर पुत्री नहीं, वो पैदाइश है। जीव ब्रह्म सृष्टि जो है पुत्री, तीसरी सृष्टि ब्रह्म की। आगे एक जीव दूसरी ईश्वरी, तीसरी सृष्टि ब्रह्म की जो कही धाम से पुत्री। प्रेम मार्ग है तिनका, जीव सिद्धि का कौन सा मार्ग है? कर्म कांड है, इसलिए वो मृत लोग से आगे जा नहीं सकते। कर्म करते रहो और योनि बदल के फल बनते रहो। कर्म करो तो जैसा कोई कर्म करेगा और वैसा फल भोगेगा, और योनि बदलते रहते हैं और कुछ नहीं। जीव कर्मों के हिसाब से जैसे जैसे योनि कर्म हुआ वैसे वैसा फल मिलता रहता है, इसलिए वो इससे आगे नहीं चलते। अब डॉक्टर साहब पहले कहा था ना 2 पाए में, अब क्यों यू हाथ करके बैठे औरतों की तरफ उड़के डाल के? अभी हम कह दिन को 2 बार चलो, अगर कुछ आनंद लेना है चर्चा करो। उठाने के लिए बैठू किसी को क्या, मानो घिसर घिसर कर रहे हैं। पहले कहा था कि धूप आएगी किधर बैठो, बरामदा खाली है सामने आ जाओ। उसको एक जीव दूसरी ईश्वरी तीसरी सृष्टि जो कही धाम से पुत्री। तो जीव सृष्टि का कौन सा मार्ग है? कर्म सा। ईश्वरी कर्म क्या है? वो इस कर्म कांड से उठ करके उपासना में लगती है। तो वह पूछ तक है क्यों स्थान कभी अभी कोई नहीं निश्चित था, इसलिए वो भी इधर ही उपासना के दम पर चक्कर ही काटते रहे। चलो प्रेम मार्ग है इनका, ये ब्रह्म सिद्धि का प्रेम मार्ग जो 14 लोक में कहीं नहीं सुख व्यास के प्रेम न वो काम है। बस अब ब्रह्म सिद्धि में जो खेले शुरू, जो इससे आगे पहुंचे वो किसके दाम पर पहुंचे? अपने प्रेम के दाम, अपने उस सरमत के दाम पर पहुंचे। उस दरी से प्रेम था, पता नहीं सुना कि ये कौन है। हम खेले पिया संग जार ब्रजराज में आकर्षण केंद्र तो था, लेकिन ये नहीं पता भूल गया माया में कि हमारे धनी है। प्रेम जरूर था, जैसे किसी का साथ जराना दोस्ताना प्रेम हो जाता है, लव हो जाता है, हो जाता है, वो तो भूल गया। अब कैसे याद आए ने भूल के लिए कि वो मूल सरबंध क्या है? गैर
अभी योग माया में चेतन तत्व था, बुद्ध जागृत की पराशक्ति की इतनी पहचान होगी कि यही हमारे प्राण नाथ है, पति है, धनी है, घर कहा है, कुछ घर की शुद्ध निज बुद्ध के बिना हो सकती ही नहीं, जो देवता जी के पास नहीं थी। और आज जी ने प्रश्न किया डॉक्टर कहां से बोलते, एक एक चीज को दिमाग में बिठाते चले जाइए। चौदह लोगों पाइए सो गोपी ने संग अभियान दो, सो तो गोप रहा, क्यों गोपी परम नाम चली आत्माएं जो थी वो कहां चली परम नाम में, और वो चीज गुप्त होगी। अब जब तक वो ना उतरे वो तभी राजी से बात कर रही है, और इधर कितने वर्ष बीत जाते हैं, बुद्ध जी बैठे 4,660 वर्ष, दुनिया के 4,660 वर्ष थे क्या, और परमधाम ने राजी की और सखियों की बात ही हो रही है, राजी मना कर रहे हैं और सखियां कह रही है हम कर दे हम दिल में, इतने की बातचीत के अंदर यहाँ के इतने साल बीत गए। अब इस बीच में प्रेम मार्ग गुम हो गया, सुन लिया कि ब्रज की गोपियां कृष्ण से प्रेम करती थी और कृष्ण जी उनके पीछे चलते थे। आई मीरा मानी मन की गोपी लगी कृष्ण को ढूंढने, ये नहीं पता चला कि कृष्ण उसने समझा कि देखो उसका नाद जो है ये वही प्रश्न है, और इसको जो है प्रीतम बना के जाओ, जैसे गोपियां जाती थी तो क्या सुंदर सहती कृष्ण उसका प्रीतम बन के आया, बिल्कुल भगवान बन के आया। जब जब मीरा पर संकट आया, अमृत जहर के प्याले को अमृत भगवान के रूप में कर दिया, तलवार उठाई मारने के लिए तो पीछे से आके बता दिया बस और कुछ भी, क्या जो लीला परम धाम की थी, जो वाहन का इष्ट था, क्या वो कृष्ण ने कहीं जाया, तो बताओ दुनिया में कौन सा। अब वही श्री राजेंद्र स्वयं कहते हैं ओहो लीला हमने की और नाम किसका हो गया हम आए गो अपनी आत्माओं के लिए, तन लिया नंद के घर तो ही पार करना, वाह भाई वाह, काम कैसे चलेगा, अगर अब वो चलेगा तो कोई भी आत्मा जागृत होगी नहीं, सो फिर आए अपनी प्रकट करी, अब खुद पहचान कराई, अरे बाबा कृष्ण लीला नहीं है वो तो ब्रह्म लीला है। अब ये जब तक मथन सुंदर साथ बैठी वाणी नहीं करेगा तब तक पुरंदर कौन बना रहेगा, ये बात है कुछ। अब जिन्होंने वाणी खोल ली है स्वयं की गीता बनी है भारत के श्लोक पढ़ने, अरे भाई फिर वाणी से मिलना क्या, और भाजा सुनाएंगे तो 50,000 5,000 देखने लगे, सुंदर साथी इच्छा थी। तब तो स्वामी जी ने आगे जो पुरानी ग्रंथ ना हमने पढ़ी क्या लिखा है, भागवत वालो कि मेरे आने से पहले तुम्हारी भागवत का हाथ चल गया, दुकान का माल बिक गया मेरे ही नाम है, लीला मैंने की थी तुमने कृष्ण नाम से अपना सौदा चला दिया और भागवत को बेच बेच के खुश खाया, अब भागवत का हाथ न चले। अब बताओ हम भी क्या करें, साहब कह दिया भागवत का हाथ ना चाहते झूठ सही जो सत्य सूर्य उदय, अब निकला है एक निकला है कि ज्यादा बोलो, एक निकला है कि ज्यादा निकला है, बताओ तारीख में कहां की लाइफ है, तुमने भी मन कर जलाओ क्यों देखो नहीं जला दे, जब ये जाएगा तो हम करा देंगे, ये बोलो लाइफ में
अब कौन सा आफ्ताब निकला है? रामनाथ का सूर्य रूपी ज्ञान सामने आ गया, पर कईयों को भत्ता नहीं, कम्बल दान के गले 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 के उसका क्या इलाज करो? उनको कहां से दिखा दोगे? सुंदर था कि मान ही लो एक एक ऐसा खुदा सागर से स्वामी लिखकर सारे संशय मिट जाते हैं। सो तो गोपाल रहा गोपन संग गोपरा अब आई परम नाम की आत्मा, फिर आगे कहा अब ये कहां से आई है जहां इश्क की इश्क अब भारत खुलासा। अब जब वो आई तो जो गोप था वो भी पर्दा उठ गया कि अब वही गोपियां आई हैं जो अब सुंदर था। हम लोगों को ये मिद्रास में कौन सी उपाधि मिली थी? गोपियां। और स्वामी जी को क्या कह दिया था? कानोड़ा, अरे कानोड़ा लो राजी को कानोड़ा बना के धन दिया। और आज दिन तक मैं कानोड़ा शब्द बोलता ही सुंदर साधनी कांगड़ा से क्या ब्रज और रास में आप कौन है? प्राण। और खुद बता रहे वाली दुनिया भर। अरे भाई मैं था कृष्ण नाम का हीरो बन के मैंने पार्ट प्ले किया था। मुझे पार्ट प्ले करना था माया में, क्योंकि मैंने अपनी आत्माओं को कहा था रहूंगा तुम्हारे चरणों में तुम्हें बुला दूंगा। उन्होंने कहा था आप कैसे हो सकते हमें कैसे बुला लो, हमारे तो नहीं और हमें बुला लो। मैंने कहा अच्छा लो चलो अब यहाँ ले आए। पहले दिन क्या जाना था बोलो? पहले दिन क्या मान के गई? श्रृंगार किया कि नहीं अपने धनी के पास आना, सदसर के करना चाहिए, सुहागिनार बन के करना चाहिए। और 11 साल के अंदर खाद्य सबसा ये हमारा कहने के मैंने ये माया ऐसी रचाई थी इनको बुलाना था, ये कहते थे भूल देने के बुला। फिर अक्षर ने कहा था हमें लीला दिखा दो, उनको भी जाके हमने लीला दिखा दी। तो अब हम तो लीला करके चले गए, किसी ने नहीं जाना कि दुनिया में पार ब्रह्म है। इसलिए वो लीला जब करके गए तो उनके प्रेम भी साथ ही साथ वो हो गया। अब जब मोहम्मद के फिर हुक्म दिया तो उन्होंने इश्क शब्द लाया, वो शब्द परम धाम का है जिसकी तुलना किसी शब्दकोश में हिंदी के अंदर ही नहीं। बस प्रेम या अनन्य प्रेम बस, और इश्क की तुलना का शब्द नहीं। ये शब्द इश्क शब्द जो है ना, और ये दुनिया का नहीं तो हिंदी शब्दकोश में आता है। ये शब्द कहां का है? शब्द ही परम धाम का वायदक का है। और वो कब उतरा? जब रोहे उतरे। कब चला जाएगा? जब रोहे उतरेंगे। अर्थात ये रूहों के तन के साथ लगा हुआ है, क्योंकि रूहों का संग अक्षरा है और अक्षरा की इश्क का स्वरूप सीधी साधी। ये दूसरी ढाल है, आप तीसरी और करो ध्यान से जा सकते। प्रेम मार्ग तिनका चौदों लोगों पाए ना हित, गोपी संग आम खास ना पहुंचे इत आम। और खास है वो प्रेम मार्ग में चल ही नहीं सकती, वो कर्म स्थान से आगे नहीं जाएगी। आत्माएं ही इस मार्ग को इष्ट प्रेम को पकड़ेंगी, बाकी कोई नहीं पकड़ पाएगा। वो अपने शरीर के लोक लाज मर्यादों से नहीं बात कर सकते, मार सकते हैं वो नहीं छोड़ सकते। और जो देव ने अब इन्हीं चीजों को जो शास्त्रों से बताया है उसी को पुराण से बता रहे हैं कि कौन पुराण में किस भाषा में किसी चीज को जो है लिखा हुआ है। बताई मोहम्मद अलैहिस्सलाम
अर्घ में आकर के अर्थात अक्षर आत्म जोश धनी धाम यहाँ के अर्व में अरबी भाषा की में जैसा देश करना पड़ता है तो वहां गए तो अरबी भाषा को दियो कुछ नहीं, जो कुछ ये बातें अभी आपको शास्त्रों की बताई है वो अरबी भाषा बस और कुछ नहीं। सो अलगी शरीयत को इधर हिंदी में क्या कर दिया कि आप किसको लगी कर्मकांड को, कर्मकांड को ही अरबी भाषा में क्या कहते हैं शरीयत। और कुछ नहीं भाषा के अंदर पहले दिन बता दिया था कर्मकांड उपासना ज्ञान और विज्ञान उसी को क्या कहते हैं शरीयत शरीकत हकीकत अनुमान। और इधर का है अक्षर अक्षर अक्षरातीत और उधर क्या क्या है ला इला और भाषा का अंत है और कुछ भी अंतर नहीं है। ये नहीं है कि भाई हम मुसलमानों की तरह से जो उनका व्यवहार है मांस खाना ये करना रोजे रमजान और कुछ नहीं, और रोजे रमजान रख कर की भी शरीयत छोड़ सकते नहीं। इसी तरह से वो भी इस नासूत से आगे जा सकते जो काल हिंदुओं के कर्मकांड का है भले वो अल्लाह अल्लाह कर रहे थे लेकिन कर्मकांड को छोड़ते नहीं, वो भी नासूत से आगे चल सकते। और सब जुदी पड़ी सब किसको कहते जमात को, सब शब्द जो है ना एक साथ दूसरी साथ तीसरी साथ, तो आम सब कौन सी है जीव से खास कौन सी है और खास और खास परम धाम की ब्रह्म सृष्टि को कहा है भाषा का अंतर और कुछ नहीं। ले त्रिकट किया जोर अब उन्होंने कौन से बात से जोर पकड़ रखे के त्रिकट का ज्ञान करते बस और कुछ नहीं इनके पास भी कुछ नहीं। तीनों एक ही ये मुसलमानों की हालत बता रहे इन्होंने इसी को ही क्या कम रखा है तीनों एक ही इस्लाम जानिया उन्होंने शरीयत कर्मकांड को ही बस इस दीन इस्लाम क्या रखा है गांधी कहते हैं ना दीन इस्लाम ये है। आप दीन इस्लाम किसको कहते हैं जान लो। सो पहुंचे मलकूत ठोर वो भी कहां तक पहुंचे केवल अक्षरातीत के नाम के सज्जे बजाने का उनको फल क्या है कि मलकूत तक चले जाएंगे आगे नहीं जा सकते लेकिन जाएंगे आठवें विश्व में ये ना सोच लेना कि इनको जो है पांचवें विश्व में क्योंकि हकीकत का वजन हकीकत का बता पता लो फिर शायद कुछ आगे चले जाते जब शरीयत और तरीकत है तो इस ये भी आगे नहीं जा सकते। और जब महक कर अब महके किन को कह रहे इस स्थिति को वो जो है इन आम मिलने जो कोई इन आम जो कोई कोई जो है सो के चून देश को पहुंचे लातान सोए वो भी बेचून और बेचून पर उनमें से फिर पांच वासना है जो आगे पहुंचती हकीकत पक्को राम खुले क्यों कर देवी देवता के शंकर अवतारों को भी हकीकत और मात के ज्ञान का पता नहीं है क्योंकि आज दिन तक दुनिया में आया भी नहीं है और लिखा भी था कि तातुम ये लजाना थी सत्य धर्म दर्शनम जब तक तातुम ज्ञान दुनिया में नहीं आ जाता अर्थात बड़ा शक्ति दुनिया में तातुम ज्ञान है बड़ा शक्ति जागरूक का ज्ञान है निज बुद्ध का ज्ञान नहीं है निज बुद्ध का ज्ञान पुण्यम शक्ति बस एक एक चीज का वे समझे चले जाए जब धर्म में हकीकत सबकी राम नाम खुले क्यों कर उपाय किया क्यों बहुत कोई ना जमा कर ये शंकर अवतारों ने विचारों ने खोज खोज मजी जमा खातरी नहीं हुई कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई
धर्म कह दिया, तसल्ली नहीं हुई क्या करे, आखिर क्या कह दिया, नेकी क्या कह दिया, अगला जान के तसल्ली से कोई डेफिनेट जवाब कोई किसी को दे नहीं सका। ये हो गए दो उठा। अब चलिए तीसरी था, पंजाब की दुनिया पैदा भाई बात हुई डिजिटल उससे वर्णन कर रहे, तब की दुनिया जब की पैदा रही मेटी कामना सुबह शक माया आद अनाद की चली जात अंधेर निर्गुण स्वरूप हो के सब चले जाएंगे। उसी ने कोई शक नहीं निकाल सका कि डेफिनेट पूर्व में परमात्मा कौन है। सो तो देता जी बोलिया वो गया जहां लो जब अपने अपने मुख से ध्यान हरी मंदिर क्लियर कट नहीं को कह सका। जो अब मोहम्मद ने आके कहा कि दुनिया वालों आज भगवान सुने सुने करेगा तो यानी बस 10 मिनट की बात हो रहा है, समय को कहते हैं कमल करो ज्ञान बनना चाहती जब से निर्माण बनना है एक महीना वो भी इनकी शक्ति पे जबराइल को हुक्म हुआ को लेके तब अनेका अक्षर की आत्म कभी भी परम धाम के अंदर गई। अब यहां वर्णन किसे करवा कर ले, तब हुक्म हुआ जबराइल को कि जा अक्षर की आत्म मानो सर के साथ में ले गया और लेके चला शास्त्रों से आगे जाए कैसे आगे अक्षर की आत्म हुक्म दे दी चल मेरे हुक्म से चल ये हुक्म तुम्हारा क्या करे नूर तजल्ला की तजल्ली जलावत मेरे आगे इतना है मेरे पद से है मैं कैसे करूं नहीं चल सकता। तब राजीव गांधी किसको भेजा अस्करा की निज मुल्क को के जातू ले अब वो देखा लाके खड़ा किया कहां जाने जो बस अब कहा चाहिए इश्क से अब इश्क के बिना सीढ़िया कौन चलेगा। देखो तीन के तीसरी डाल समझाई नहीं आ रही बातें वही है तरीका के साथ अब निज बुद्ध के साथ चल रही है। पहले किस बुद्ध से बनाया नासूस की बुद्ध से फिर कौन सी बुद्धि ली राजस बुद्ध से अब कौन सी डाल है निज बुद्ध की है। अब क्या करता है वो जो है अथवा की बात इश्क ध्यान दो राजीव महाराज ने इश्क की शक्ति भेजी अक्षर की आत्मा में से ध्यान दो अक्षर की आत्मा में सत्ता निकाली। एक एक बात को समझो रुक रहा हूं सत्ता की शक्ति निकाल दी और इश्क रख दिया है। आप बताओ राजी और अक्षर में क्या अंतर जल्दी बोलो एक रूप हो गया ठीक अब चिड़िया करके खड़े करते मूल मिला रहे अक्षर की आत्मंदर में खड़ी हुई सामने जाकर खड़ी हुई जैसे रोज हम रोज प्रणाम नहीं करते प्रणाम क्या पूछने लगे तू कौन मैं मोहम्मद कभी मैं साथ है क्योंकि आत्मा किसकी है अक्षर की है इसलिए मैं इतना अंतर है सुंदरता भी जो परम धाम की आत्म होगी वो क्या करेगी यानी तू वो मैं नहीं बोल सकती हर दो दोनों को तो अक्षर की आत्म क्या बोलेगी मैं टीका का मैं इनमें अक्षर की आत्म ध्यान दो सुंदरता भी एक का भेद दो और जहां एक अनंत की लीला है वो आत्म कभी मैं नहीं बोल सकती क्योंकि परम धाम में मैं नहीं हाँ तो ही और बैठे भी है सुंदर साथी कल आप लगाओ राजीव राय के बिना किसी दूसरे को प्राण मत कहने वाला नरकों से भी ज्यादा शायद नीचे राजेश को घेरे जो तुम्हारे दिलों में गंदगी खड़ी हुई ना निकाल दो एक अक्षर दूसरे को कह दोगे तो मोहम्मद साहब ने भी क्या दिया है तो दोजख दी है उसको कि बंदगी केवल एक ही दूसरा बंदगी के कारण ये उनकी शरीयत का कारण है।
की खिदमत जिसकी चाहो, बंदगी और खिदमत। खिदमत क्या है? सेवा। पतिव्रता अपने एक पति के बिना यदि नर भी दूसरे पर करती है तो शास्त्रों से पूछो वो क्या करते हैं। और स्वामी ने तो सिंधी में जाकर ये कह दिया है कि जो अपनी आत्म के सुख किसी परमधाम की आत्म को भी कहते हैं तो वो भी वैश्या था। ये है पतिव्रत, इसको परमधाम की आत्मा का अपने धनी का गोपनीय ज्ञान कहते हैं। और कैसे रहा स्वामी कहते हैं करता है, अगर उन्हें ये नाम लेके आता तो कोई भी आत्म जागृत होती नहीं, क्योंकि पहले जखन रील का खेल हुआ था जो माया की कृष्ण की अलका लीला देगा देवर नरदास को, सबने क्या समझ लिया कृष्ण अक्षरा जो खेल के साथ रील जोड़ने में देवचंडी के ढंग से हरी का लीला करने में इतने प्रमाण आज भी कई जगह पड़े होंगे क्या भी भटक गए। तो भाई वाकई ये ग्रंथ ये वाणी तो स्वामी जी के समय की है, इसलिए हमको माननी चाहिए ना ना ना। ये तब तक की वाणी होगी जब तक की शक्ति मेरे के बाद से कृष्ण का कहीं नाम उच्छा नहीं, क्योंकि कौन आ गया मोहम्मद को मिल चले पूर्ण शादी के शुरू के बाद कहीं नाम ही नहीं। हर जगह भी कृष्ण भी क्या है श्री जी चले, श्री जी उसके चले, श्री जी चले कहीं मेरा करना सुंदर सा जी। ये दो जी मूल अपने पूज्य ग्रह शन से बिताइए और सारी बात को लेकर चलिए ध्यान के आप आगे बढ़ो। उपाय किया इत बहुत हो जमा का तर किसी की तो कभी नहीं हो सकती कि हकीकत में पूर्ण ब्रह्म कौन है, उनका रूप क्या है और उनकी लीला ये खुद आर्थिक स्वामी नहीं होता। उससे पहला कहीं गीता में किसी भागवत में कहीं वेद शास्त्र पुराण में कभी ये तीन प्रश्न लिख के और कोई स्वामी जी की वाणी के बिना व्यवहार करे तो मैं मानने के लिए था एक मिनट में मानता हूं। क्यों आया था ना तुम से खुदा की गुआई गुजारी व्यायाम करे खुद हुक्म से खुद नाती के अंदर बैठ के बोल रहे और फिर भी क्या कहते हैं हुक्म से गावे हक के हुक्म से गावे फिर पर्दा हमारे ऊपर डालते। तो हम लोग चर्चा क्या करने लगे बड़े मत के धनी थी प्राणनाथ जी प्रमाण थे प्राणनाथ जी के मत भी लिमिटेड कर दी उनके पास बड़ी है कि अनंत से अनंत जहां कोई शब्द नहीं है वो निर्भुद के मारे संसारिक तरीकों में फंस गए और राज्य को भी क्या बना दिया महामती था और किसी को पता ही नहीं चला ये महामती है। जितनी चर्चा सुनी क्या सुनी बड़े मक्के नहीं महामती श्री प्रामनाथ जी प्रमाते हैं गलत बात गलत बात गलत सुनाते हैं। महामती टाइटल है किसका इंद्रा भाई पे जाने पहले क्या थी इंद्रावती जब साहेब अंदर आ गए तो क्या बन गई महामती साहेब महामती तो सागर है संकर नाम के रखोगे कितना नफा कर रहा है पद मिल गया नेहरू को क्या प्राइम पैदा नहीं हुआ था प्राइम अगर पैदा ही प्राइम मिनिस्टर हुआ था तो मोतीलाल नेहरू ने क्यों नहीं सारे हिंदुस्तान को सूचना दी भाई भाव कौन क्यों चिंता मत करो मेरे घर प्राइम मिनिस्टर जन्म ले चुका है कहीं है तो समझो ऐसी बुद्धि तक क्यों कर
श्रद्धा लो, ये समझने की चीज करो। जब महामती इंद्रावती के अंदर पांचों शक्तियां आके बैठ गई तो उसको भी बल शक्ति मिलेगा। जो है टाइटल दिया कि क्या कहती हूँ इंद्रावती, वो सुंदर सर जी मेरे अंदर जब धनि आ गए ना तो क्या क्या मुझे अपने से भी ज्यादा बड़ा बनाने लगे। क्या लगे, तू ऐसा कर मैं तुझे फुल पावर देता हूँ, तू साइन का सुन हाँ मैं जरूर कैसे फिर मुझे मारा उन्होंने। फिर क्या किया, मुझे शिमला भी अपना बहरा दिया और मुझे मोर भी अपनी दे दी और सब अख्तियार भी दे दिए चेक काटने के और आसन दे के कहते बैठ तो कौन है प्राण ताकि जो रहता करता सुंदर था तो वो भी बैठ गया। हमने किसको प्राणनाथ बना दिया, इंद्रावती को। इंद्रावती प्राणनाथ ने इंद्रावती के अंदर आपकी शक्ल नजर आ रही है, हम जूतों को प्राणनाथ बनाए करते हैं, ये राज्य से दूर हो गई। सुंदर सर मिट्टी के पुतलों को प्राणनाथ कहोगे सीता नरक खुला है, चिंता मत करो। प्राणनाथ प्राणनाथ करके भी भक्त के पास ना जाओगे, खड़े जीवों को अखंड करना तुम न जा पाओगे। मामू साहब ने क्या, अभी क्या बातें सुनिए कि मोहम्मद वाले मुसलमान आज जो कर्मकांड को लेके कर रहे हैं, किसका नाम ले रहे हैं, अल्लाह कर रहे हैं कि नहीं, कहाँ जाएंगे, नासूर से आगे नहीं जाएंगे। तुम भी करते रहो प्राणनाथ करो, ना किसी बुजुर्ग को नासूर से आगे नहीं जाते। बनाओ देखो मजीद प्राणनाथ बनो, बनाओ और उसके अंदर भी सब कुछ एक एक चीज को समझने की कोशिश करो। ठीक है जब तक संसार है उनकी कृपा से हमें मिल रहा है, लेकिन तन तो यहाँ का है कि परमदान का जाता है, वहां कोई कर्मी है उनसे हमें क्या मिल रहा है। वो लोग आगे बढ़ो तो असल में पहुंचोगे, मिट्टी को पकड़ोगे मिट्टी में आगे बढ़ो। ये तीसरी चाला चौथी कल्याण आत्म सत्व से, ये है इसकी चार तरीके, कर्म का उपासना ज्ञान शरीयत परिकर और हकीकत। जब मात्र की चाल आओगे तब परम धाम में पहुंचो। जब की दुनिया पैदा हुई नेकी कहूंगा सुबह शक खोज करी इतना परो में मिल दुनिया चौदे कहे अवतार चौबीस। आलो भाई कृष्ण की बात फिर आगे चौबीस अवतार कहे, पच्चीसवा नहीं लिखा भागवत में आलो कहे अवतार चौबीस साते पारीस आए ऊपर करण बाईस अवतार में इक्कीसवा अवतार राम का और बाईसवां अवतार कृष्ण का। दो अवतार कौन थे कोई बता नहीं सकता। श्रीमद भागवत में तो 21 ही अवतारों का वर्णन है, तीन का है। सुंदर राजी ये बात है ना, एक एक चीज को पकड़ो। तीन अवतारों का वर्णन ही खुद आके स्वामी ने अपने मुख्य का तीन अवतारों का वर्णन है। खोल के देखिए तीनों दिनों तीनों शब्द तब तीनों शब्द तब ताइया पुनी सो लिखे शास्त्रों में वचन उनकी जो जो लीला है अवतारों की वो जुदा जुदा जो है शास्त्रों में लिखी हुई है। दो बाकी आमद जी अब जानो
अभी कलयुग में हमें जिसको दुनिया इकट्ठा ही कहते थे बुद्ध निष्कलन करता बराबर है, एक ही नगर मिलते ना, लेकिन बुद्ध निष्कलन करता दो अवतार, एक कौन सा है बुद्ध जी, वो कौन हुए देव चंद्री और लेखनाथ कर्ण है श्री कान्हा जी महाराज, इकट्ठे क्यों हो गए कि श्यामा महारानी भी जब अंदर आ गई तो क्या बन गए दिव्य अभिनंद बुद्ध लेखन ध्यान के साथ संबंधन दो बाकी आन की अब अकल में सो बुद्ध कलंक की हो कली चलंगा मार के ईश्वर पार पहुंचावे सो ध्यान के साथ वो जब आएंगे ना पूर्ण रूप आ जाएगा तो वो कली चलंगा वेदों के आरती बुद्ध ईश्वरों का ईश मेक असुराई कली कलयुग की असुराई जो मिटाएगा वही पूर्ण ब्रह्म साथी है और वो समझ रहे हैं सब को एक रस पुराण वालों को पुराण से और शास्त्र वालों को शास्त्र से पहचान जुदा जुदा नहीं कराई पहचान सबको एक अक्षर तीर की जो करा दी ये है कलिंगा को मानना कलयुग की शक्ति को मानना अर्थात जो बीच में अशांति थी आज तक किसी ने निश्चय करके नहीं बताया था शक और शुभे था वो सब का हेतुओं का 1735 में बड़े बड़े शास्त्र जो आचार्य लोग थे शास्त्रों से ठंडा करके एक बार कम के बैठा कोई गंगा की पूजा बता सकता कोई पेड़ों की पूजा कर मैंने बड़े बड़े एमए देखे जो पीपल की पूजा करते डालियां गले में लगी है और चले हैं एडवोकेट MA LLB और पीपल पूज रहे इन आंखों से देखकर और गंगा जी ने बड़ा अच्छा प्यारा प्यारा एक पेड़ और व्हाइट व्हाइट मिल गया पत्थर घर में लाके ठक दिया क्या बन गया साले राम काला काला चमकता आम नहीं चमकता चमकता लाके कर दिया तीन कपड़े लगा दिए क्या बन गए महादेव जी महाराज जी निर्विकारम चबारे खोल के रखे पढ़ो आरम्भ किसको लिखा है तुम्हारे शास्त्र कहते हैं मैंने नहीं ये शास्त्र लिखे पढ़ो एक एक बात का प्रमाण उनको शास्त्रों से दिया तो आचार्य जिन्होंने शीश झुकाया और माना कि तुम ही पूर्ण ब्रह्म विद्या अनंत पद निष्कलन करता है तो तुझे फंजे वाली फजा का निशान भविष्य पंचांग में लिखा है कि जब विद्या अनंत पद निष्कलन करता आएंगे ये सीधे रंग की फजा होगी फंजे का निशान और वही निशान आ जाइए पुराण में पढ़ो शिया सुनने के प्रसंग में उनके 11 इमाम आ चुके थे मारने के लिए ताजिया निकलता है घोड़ा सफेद रंग का होता है कि नहीं और घोड़ा खाली होता है निशान कैसा होता है पंडे का ये इमाम मंदिर का खुला चले जाइए सिखों के ग्रंथ में बात प्रसंग कहीं का और है और उन्होंने कटा कर दिया कि नानक देव जी के और मुल्ला का झगड़ा हो गया था और ऊपर से उन्होंने पत्थर गिराया और गुरु नानक देव जी ने पंजा कर दिया और वो हो गया पंजा सारा उन्होंने क्वेश्चन किया था मुल्ला ने कि तू जो अल्लाह रहमा है खुदा को और हिंदुओं को एक करता है और खुदा और अल्लाह ताला जब आएगा उसकी क्या निशानी होगी तो गुरु नानक देव जी ने कहा ये निशानी है गुरुवाणी में और अर्थ उल्टा निकाल के दुनिया को बताते हैं क्योंकि उनका था जहां भी शब्द हुआ पंजा था हमें तो सहार खाने में पीड़ा होती है ना सहार ना मुरली वाला कहेंगे आपको सहार नहीं और उनका क्या है निशान साहब झंडे को भी क्या कहते हैं निशान साहब और इस पेड़ के नीचे वो गुरु नानक देव जी बैठे थे वो बोर्ड का
ऐसा देरी का हम लोग सीधे उत्तर भारत में देरी कहते हैं, गुजरात में बहुत कहते हैं, कहते होते खाने वाले, तो उनका नाम क्या रख दिया देरी। जिस फल के ऊपर गुरु नानक देव जी बैठे थे कभी उत्तर भारत में पंजाबी में उसको मंजी कहते हैं, वहाँ आज गुरुद्वारा है अमृतसर में और उसका नाम क्या है मंजी सावला, उसकी पूजा करती है। मेरे होते में देखते देखते 5-6 साल में अमृतसर होशियारपुर के बीच में 2 ट्रेनों का एक्सीडेंट हो गया था, इतना हो जाता है और वहाँ 70-80 लोग मर गए, इकट्ठे उनका दास उनका से गुरुद्वारा बना दिया और नाम का रख दिया टक्कर सारा है भाई हंस रहे हो जाओ प्रैक्टिकल देखो गुरुद्वारे का नाम क्या टक्कर था। और हम सत्य साहब को कहते हैं हमारी दिव्या पर छाने दुनिया साहब को जला रही है पका रही है कि साहब आएगा, हम उसको छुपा के अपनी बेटों का समझ गए हम खैर पाउंडे हिंदू हैं, हमारे पास भी निशान है पुरुषों हमारी धूमधाम से दुनिया भगवानों को जाहिर करती है, तुम खसम के ऊपर ही पर्चा डालोगी, मेरा खसम नहीं मेरा और बनावटी काम किया कुछ खुश कर अकल को अपनी को बड़ी मैं खुदी देना मत, इसलिए परम काम नजर नहीं आता कि मैं नहीं छोड़ वहां मैं कभी धर के सारा संसार है ना, किसी बात के लिए 3 फिक्रम नहीं लाओ देखा मुझे कोई सुनना चाहती था करने लगे शिल्वत का वर्णन और पहले 3 फिक्रों ने क्या लिखा मैं खुद और फिर आपने जो कई चीजों के क्या लिखी श्री महामती कहे मोहन सुनो मेरे वतनी चाहे खत्म करा ले क्या आओ मार्ग अगर साथ देखा पर मैं बस एक आश्चर्य इसने कहा पहले दिन से चर्चा का बड़ी रूप सांता बनी कब तक चित्तवन नहीं नजर आता जब तक हृदय निर्मल होता नहीं और अहंकार मन यहाँ तक दुनिया खड़ी है बाकी बोलो श्री राम चपल चलाइए तो बुध और कलंकी होए